इस धरती पर पानी जीवन की उत्पत्ति से भी पहले से था, लेकिन यह पानी सभी को आसानी से नहीं मिला। कुछ लोगों को पानी हासिल करने के लिए अपनी तकदीर बदलनी पड़ी है। आज जब देश के प्रमुख मेट्रो शहरों के माथे पर पानी के खत्म हो जाने की तिथियां लिखी जा रही हैं, तो भीषण जल संकट झेलने वाले कुछ ऐसे गांव और समाज भी हैं जो पानी से समृद्ध हो रहे हैं। दरअसल जल संकट वाले गांवों में पानी के समृद्धि की यह कहानी 2006 में शुरू हुई, जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा की शुरुआत हुई। कोरोना महामारी के कठिन वक्त के बीच पानी की यह कहानी लाने के लिए डाउन टू अर्थ के 14 रिपोर्टर्स ने 15 राज्यों में करीब 16,000 किलोमीटर की यात्रा की है, और संकट से समाधान तक की इस कहानी के खास हिस्से को बताने के लिए मैं हूं विवेक मिश्रा और आप देख रहे हैं डाउन टू अर्थ। सौ दिन का पक्का रोजगार देने वाला मनरेगा अपने 15 बरस पूरा कर चुका है, और इस कानून का 60% काम जमीन और पानी को बचाने से जुड़ा है। इसी का नतीजा है 15 वर्षों में ग्रामीण भारत में जल से जुड़ी 3 करोड़ संपत्तियों का निर्माण किया गया है, यानी हर एक गांव में कम से कम 50 जल संरचनाएं बनाई गई हैं। सरकार के पास जल संरक्षण के कामों को जांचने का कोई तंत्र नहीं है, लेकिन दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का विश्लेषण है कि बीते 15 वर्षों में मनरेगा के तहत इन संपत्तियों ने पानी का अतुल भंडार हमें तोहफे में दिया है। डाउन टू अर्थ की गणना के अनुसार पिछले 15 सालों में मनरेगा के तहत जो संरचनाएं बनाई गई हैं, उनसे लगभग 29,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का बचाव संभव हो पाया है, जो कि राजस्थान की उदय सागर लेक को एक बार भरने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा लगभग 19 मिलियन हेक्टेयर जमीन की सिंचाई संभव हो पाई है। यदि हम प्रति हेक्टेयर 1.2 टन चावल का उत्पादन माने, तो इस जमीन पे 2 से 2.5 करोड़ टन का चावल उत्पादन संभव है। मनरेगा सिर्फ रोजगार का अवसर पैदा करने वाली योजना नहीं है, बल्कि ये गांव के संपूर्ण विकास वाली योजना है, जिसमें पानी को बचाने और सहेजने का बेहतरीन उद्देश्य शामिल है। ये देश का सबसे बड़ा पानी बचाने का कार्यक्रम है, जो हमारे भविष्य को बेहतर बना सकता है। भारत में मानसून को वित्त मंत्री का दर्जा हासिल है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था का जीवनदाता भी है। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर हम हर साल वर्षा जल को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि हमारे गांवों में इनके भंडारण और संचयन के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं थी। मनरेगा ने देश में चौतरफा ऐसे गांवों में भी पानी की उम्मीद जगा दी है जो पानी के लिए तरस जाते थे। वर्ष 2006 में मनरेगा के पहले चरण में देश के जिन 16 जिलों को चुना गया था, उनमें बादलपल्ली भी था। अब 15 बरस बीत चुके हैं और सूखे की मार झेलने वाला यह जिला मनरेगा की बदौलत अपने लिए पानी बचाना सीख चुका है। यहाँ करीब 900 जल संचयन वाली संरचनाएं बनाई गई हैं। इससे न सिर्फ इन गांवों की भूजल उपलब्धता बढ़ी है, बल्कि लोगों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। हमें मालूम है कि कृषि के लिए कई किसान अब भी वर्षा जल पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में एक अच्छा और बेकार मानसून खेती का भविष्य तय कर देता है। गुजरात में साबरमती नदी के किनारे साबरकांठा जिले को मनरेगा के शुरुआती चरण में चुना गया था। वहां के लोगों ने मनरेगा के फंड से गांव में बड़े और छोटे तालाब, बांध, चेक डैम आदि बनाए। नतीजा यह हुआ कि अब वहां के किसान न सिर्फ बेहतर पानी से समृद्ध हैं, बल्कि ज्यादा फसलों का लाभ भी ले रहे हैं। मनरेगा के तहत सिर्फ जल संरक्षण के कार्य नहीं हुए हैं,
बल्कि इसने सामाजिक और प्राकृतिक आपदाओं के दंश को भी कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। मसलन उड़ीसा के बालांगीर जिले में 20 ब्लॉक में 6 ब्लॉक ऐसे हैं जहां बड़े पैमाने पर पलायन का दंश है। राज्य सरकार ने इसी वर्ष इन 6 ब्लॉक के लोगों को 100 के बजाय 300 दिन का पक्का रोजगार देने की घोषणा की है। उम्मीद है मनरेगा पलायन के इस दंश को कम करने में कारगर होगा। हालांकि 2021 में बालांगीर में 5,000 खेत तालाब और बहुउद्देशीय टैंक बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसी तरह मनरेगा ने सुनामी के दंश को भी कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। 2004 की सुनामी ने तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले को बर्बाद कर दिया था। 2006 में शुरू हुए मनरेगा ने इस जिले की समस्याओं को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। कावेरी नदी किनारे बसे नागापट्टिनम जिले में सुनामी से पहले अच्छी खेती के लायक भूमि और जल था, लेकिन सुनामी ने यहाँ की मिट्टी और पानी को खारेपन से भर दिया। कई लोग खेती छोड़कर दुबई पलायन कर गए थे, लेकिन इस जिले में समुन्द्र से कुछ मीटर की दूरी पर 1900 परिवारों का गांव विल्लापलम है, जहां पर मनरेगा के फंड ने कायाकल्प कर दिया। वहां तालाब बनाए गए और उन तालाबों ने खारेपन को दूर करने में बड़ी मदद की। इतना ही नहीं, नारियल के खास किस्मों को लगाकर खारेपन से लड़ाई भी लड़ी गई। अब यहाँ हरियाली बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। आपदाओं से इतर मनरेगा के तहत कुछ ऐसे भी काम हुए हैं जिस पर हम सबसे कम बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में पानी के संकट की वजह से पुरुष खेती छोड़ रहे थे, तो वहां की महिलाओं ने जल संकट की समस्या को दूर करने का बीड़ा उठा लिया और उनका सहारा बना मनरेगा। बांकुरा जिले के ही बीरबंध और कावतंगा गांव के जल संकट की स्थिति धीरे धीरे बदल गई और आज ये दोनों गांव खुशहाल हैं। दरअसल 1200 से 1300 मिलीमीटर की वर्षा होने के बावजूद भी इन दोनों गांव में पानी सतह पर नहीं टिकता था और जल संकट की स्थिति बनी रहती थी। दोनों आदिवासी गांवों को 2017-18 में ऊसर मुक्ति अभियान का साथ मिला और मनरेगा के फंड के सहारे यह अभियान राज्य के 6 सबसे सूखे जिलों के लिए चलाया गया। इन गांवों ने पानी रोकने के लिए संरचनाएं बनाकर बह जाने वाले वर्षा जल को रोकना शुरू कर दिया। अब यह गांव पानी के संकट से उबर रहे हैं। जिले के भूजल में भी सुधार हुआ है और पूरे जिले में अब तक 25 जल संरचनाएं बनाई गई हैं। मनरेगा और महिलाओं का गठजोड़ यहीं नहीं रुका, यह हमें केरल में भी दिखाई देता है। केरल के पालक्काड जिले में चावल की पैदावार खूब होती है, लेकिन भारतापुरा नदी की स्थिति बिगड़ने से वहां सिंचाई का संकट पैदा हो गया। पानी की उपलब्धता यहां सबसे बड़ी चुनौती बन गई। सालाना औसत 2300 मिलीमीटर वर्षा जल हासिल करने वाले इस जिले में कुल 56 गांव जल संकट के चपेट में आ गए, लेकिन 15 वर्ष पहले शुरू हुए मनरेगा ने यहां के कई इलाकों को फिर से पानीदार बना दिया है। नदी को पुनर्जीवित करने और जल संरचनाओं को बनाने में सबसे बड़ी भागीदारी यहाँ के महिलाओं ने निभाई है। पोकटकाव गांव में 200 कुएं खोदने का लक्ष्य रखा गया था और यहाँ की महिलाओं ने यह बागडोर संभाल ली। मनरेगा का यह काम देश के अन्य हिस्सों में भी है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जालौन जिला हो या मध्य प्रदेश का सीधी जिला, वहां के गांव भी जल से समृद्ध हो रहे हैं। हर तालाब और पोखर विकास का अहम औजार होता है। हमारे ग्राउंड रिपोर्ट बताते हैं कि मनरेगा ने ऐसे बहुत से औजार बना दिया है। जरूरत है कि सरकार जल बचाने के इन कामों का हिसाब किताब रखना शुरू करे ताकि उसका प्रभाव सही मायने में परखा जा सके। वर्ष 2006 में मनरेगा के तहत 16 जिलों को चुना गया था।
और उन जिलों में आज पानी के काम इतने अच्छे हुए हैं कि वहाँ स्थितियाँ बदलने लगी हैं। और इन कहानियों ने हमें आज संकट से बाहर निकालकर समाधान की तरफ देखने को मजबूर कर दिया है।